सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. डाउनलोड द ऐप. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. सर आइए सर, मैंने आपको फोन किया था. ये देखिए सर, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या. यस सर. तो हीरा है सर. इसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है. गला घोट के मारा होगा इसे. और सर इसके पास से कोई सामान भी नहीं मिला है और ना ही पैसे. कहीं इसे काशी ने तो नहीं मारा. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. राव काशी नाको कवाली. काशी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में हर जगह पे सर्कुलेट कर दो. ओके सर. अगर हीरा मर चुका है तो काशी कहाँ है. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक आखिरी बार दोनों साथ में ही थे. हेलो. ठीक है सर, मंजू के पति दिलीप का ही मर्डर हो गया. सर बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से 3 से 4 वार किए गए हैं. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या. शायद मर्डर वेपन यही हो. ओके सर. सर ये मोबाइल वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला. क्या ये दिलीप का मोबाइल है. जी, जी सर. यस सर. मंजू दीदी सोनू घर पे नहीं है. सोनू को कोई उठा के लेके चला गया. क्या. हाँ चलो मुझे. सोनू को मंजू के घर से क्यों उठाया और दिलीप को क्यों मारा तुम लोगों ने. दिलीप को मैं क्यों मारूंगा साहब. मुझसे मेरी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा था. सोनू ये बच्चा मेरा है. अन्ना सोनू था. अन्ना सोनू था. अन्ना मेरा सोनू था. वो देखा नहीं आपने. इसलिए मैंने बच्चों को उठाया. सोनू और शारदा का रिलेशन क्या है. काशी कहाँ है. क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ. साहब 8 साल पहले दिलीप और मेरी बहन शारदा की शादी हुई थी. बच्चा भी होने वाला था. बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे दोनों. पर दिलीप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी साहब. पता नहीं और कितना इंतजार कराएगा हमारा बच्चा. शारदा तुम ठीक हो ना. उस एक्सीडेंट के बाद मेरी कोख उजड़ गई थी. मैं कभी मां नहीं बन सकती थी. और दिलीप खुद को गुनहगार मानते थे मेरी इस हालत का. डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी. अपना बच्चा जो खो दिया था मैंने. 2 साल ऐसे निकल गए. फिर अचानक एक दिन दिलीप ने मेरी खुशी के लिए मंजू से शादी की थी. अपने बेटे सोनू को मेरी गोद में डाला था. मेरी जान बचाने के लिए दिलीप ने ये सब किया था. और ये बात मुझे पता थी. सर वो मेरा बेटा है. मेरा सोनू. पर दिलीप उसे दूसरी औरत की गोद में डालता रहा. उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था सर. पहले उसने मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेला. और जब मैं उसके प्यार में पड़कर गर्भवती हो गई तब मुझे लगा कि मुझे अपने डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए. पर डैडी ने दिलीप को अपनाने से साफ मना कर दिया. पर मैं ही पागल थी ना सर. शादी तो मुझे दिलीप से ही करनी थी. इसलिए अपनी जिद में आके लव मैरिज की और अपने डैडी को झुका दिया. पर फिर उन्होंने हम सबको माफ कर दिया और हमें अपना लिया. दिलीप के पास अपना तो कुछ था ही नहीं सर. इसलिए मेरे डैडी ने ही हमें घर दिया. यहाँ पर काल में जरूरत की सारी चीजें दी जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके. सब कुछ सही था सर. लेकिन जब सोनू पैदा हुआ ना
तो दिलीप उसे अक्सर कहीं ले जाया करता था। तो ये बात तुम्हें पता कैसे चली? मुझे ये बात वामन ने बताई थी और एक दिन मैंने दिलीप का पीछा भी किया था। मुझे पहले ही शक होने लगा था कि सोनू मुझे नहीं किसी और को अम्मा याद करके रोता था। ये लड़की मेरी बहन के घर में क्या देख रही है तू? देख देख तेरी बहन अंदर क्या गुल खिला रही है, देख। तो क्या हुआ, पति पत्नी है वो? ये बच्चे को दूसरी औरत की गोद में डाल के बोल दे रहे कि तुम्हारी दोस्त की बीवी है? चुप, बिल्कुल चुप। तुमने बहुत बुरा गेम खेला मेरे साथ दिलीप। शादीशुदा होते हुए भी तुमने मुझसे शादी की। सब मैं घर आकर बहुत रोई। कई बार मन में आया कि डैडी और अम्मा को सब कुछ जाके सच सच बता दूं, पर किस मुंह से बताती, जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। वामन से तुम्हारा क्या चक्कर है? वामन को मेरी दुखती रग का पता चल गया था सर कि दिलीप से मेरी दूसरी शादी है जो गैर कानूनी है, और वो इसका फायदा उठा के मुझे कभी भी कहीं भी रोक लेता था। उस रात उसने मुझे घर बुलाया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से भाग निकली। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, पर इस सच्चाई को कैसे झुठलाओगी? राव, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लग गया है कि वो साड़ी पे लगा हुआ खून तुम्हारा नहीं है। अब सच सच बताओ, वो खून है किसका? वो मेरे डैडी का खून था। उस रात को खुद को वामन से बचाकर मैं खेतों के रास्ते घर जा रही थी कि तभी मेरा पैर किसी से टकराया और मैं गिर गई। सर, जब मैंने ये बात दिलीप को बताई तो वो डैडी को देखने के लिए मेरे साथ खेत गया, पर वहां डैडी की लाश थी ही नहीं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैडी का मर्डर हुआ है तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? भाई, तुमने तो तुम्हारे डैडी को नहीं मारा और चुप रही अब तक। सर, मैं बहुत डर गई थी। फिर दिलीप ने भी कहा कि जिसने डैडी को मारा है कहीं वो हमारे परिवार को भी ना मार दे। तो अब ये डर चला गया? सर, जब दिलीप ही नहीं रहा, डैडी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा सर, तो फिर डर किस बात का? मैं एक साल से सेठ जी को मारने की फिराक में था, पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर ये तय हुआ कि ये काम दिलीप करेगा। दिलीप भी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। हाँ, हेलो कल्लू। यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन्हें मारने गया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गंवा दिया। कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में, कुछ नहीं। जा घर जाकर सो जा। अब एक काम मुझे ही करना होगा। फिर तुम लोग को छुट्टी दिया ना? हेलो हेलो, मालिक किधर गया? मालिक गया ना, घर गया। घर गया? हाँ। मालिक का गाड़ी तो इधर खड़ा है, घर कैसे गया? वो चल के गया। पैदल नहीं जाता मालिक। चल के गया, मैं बोला तो चल के गया। हटना। कुछ नहीं है। ये क्या किया तूने? एक साल की मशक्कत के बाद आज मेरा काम पूरा हुआ है। ये छोड़ दो, ये हीरा। तब मैं हीरा को मारना नहीं चाहता था, पर वो गलत समय पर गलत जगह आ गया था, इसलिए उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं हीरा की लाश को वहीं पर छोड़कर सेठ जी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस आया, तो मैंने देखा कि मंजू और दिलीप टॉर्च लेकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं सेठ जी की लाश को घसीट कर खेत से बाहर ले गया। दिलीप को तूने क्यों मारा? साहब, दिलीप इस काम का राजदार था और किसी भी वक्त मुंह खोल सकता था, इसलिए साहब उसको मारना मेरी मजबूरी थी। साहब, दिलीप जिस दिन बामन से झगड़ा करके घर वापस आ रहा था, तभी मैंने उसे खेत से अकेले जाते हुए देखा और साहब उसका वही काम तमाम कर दिया। बाकी सब बताए तो ये भी बता दे, काशी को क्यों मारा था? उनसे क्या दुश्मनी थी तेरी? साहब, सेठ जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे एक साल पहले यूपी से काशी के पूरे परिवार को मारने के लिए बुलाया गया था। मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उसका कारण भी मैं ही था। जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया था, यहाँ तक कि मेरे बाप का काफी पैसा मैंने बर्बाद किया। इस कारण मेरे बाप ने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया।
और सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। काशी तो क्या उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। क्यों? जो जमीन मेरी और मेरे बेटे मंगल की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। हमारे बाप ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। जमीन के लालच में तुमने तीन तीन लोगों की जाने ली। कानून में लिखी हर सजा तुम्हारे लिए कम है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।